Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Twinkling Vimmy. So friends, मैं हूँ Vimmy. कैसे हो आप सब लोग? I hope you all doing great. So guys, आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ Pilgrim Red Wine फेस मास्क का रिव्यू. और मैंने Pilgrim के पहले भी प्रोडक्ट यूज किए हैं. मैंने उसकी फेस क्रीम यूज की थी और उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था, मुझे बहुत पसंद आई थी. तो सोचा क्यों ना रेड वाइन फेस मास्क का भी मतलब ट्राई किया जाए, क्या इसका रिजल्ट है. और मैं इसे दो तीन बार यूज कर चुकी हूँ. तो गाइज मैं बताती हूँ आगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये मुझे क्यों अच्छा लगा और क्यों बुरा लगा. सो इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, ये है Pilgrim रेड वाइन फेस मास्क. नो डाउट इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है. वो अलग बात है कि मैं इसका कवर जो है मिसप्लेस हो गया है मुझसे. और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. और गाइज इसका जो प्राइस है वो है ₹500. और अंदर से ये फेस मास्क कुछ इस तरीके से दिखता है, काफ़ी क्रीमी है. एंड जानते हैं आगे इसके बेनिफिट क्या हैं और इसको कैसे यूज़ करना है. तो आगे मैं बताती हूँ आपको, डेमो देती हूँ इसका. सो गाइज, सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है और उसके बाद एक थिक लेयर अप्लाई करनी है. इस फेस मास्क में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो तीन हैं. फर्स्ट रोज़हिप ऑयल, सेकंड इज़ मलबेरी एंड थर्ड इज़ रेड वाइन. जो मलबेरी है एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को टाइट एंड कोलेजन को बूस्ट करता है. और सेकंड रोज़हिप ऑयल, ये स्किन को हाइड्रेट करता है और आपके फेस पर एक अच्छा ग्लो लाता है. एंड थर्ड वन इज़ रेड वाइन. रेड वाइन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इन्ग्रीडियंट्स टू प्रिजर्व यूथ एंड इन्हेंस ब्यूटी. सो गाइज, ये हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करता है. और अब इस फेस मास्क को हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं 15-20 मिनट तक. और गाइज, अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी सॉल्व करता है. तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ फेस मास्क सूख चुका है. सो गाइज, अब मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश कर रही हूँ. आप चाहो तो कॉटन की हेल्प से भी इस फेस पैक को हटा सकते हो, बट मैं मोस्टली फेस पैक या मास्क ऐसे ही रिमूव करती हूँ थोड़ा सा पानी लेकर और हल्के हाथों से मसाज दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना मतलब फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है और एक अच्छा ग्लो भी आ जाता है. तो गाइज, जब भी आप फेस पैक लगाएँ या मास्क लगाएँ तो अपनी नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करें. तो गाइज, मोस्टली फेस से तो ये पैक हट चुका है, बट अभी मेरी नेक पे रहता है तो इसे अच्छे से रिमूव कर लेते हैं नेक से भी. सो गाइज, यहाँ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. आप देख सकते हो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है. मेरी स्किन इतनी क्लीन दिख रही है और यहाँ तक कि मैंने अभी अपने फेस पर कुछ भी, गाइज आपके सामने फेस वॉश किया है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, इस कोई क्रीम अप्लाई नहीं की है. सो गाइज, ये मास्क मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन इतनी क्लीन प्लस इतनी स्मूथ लगती है ना स्किन आपकी. जब आप अपनी स्किन को टच करोगे ना, फेस को टच करोगे तो इतना अच्छा फील होता है. और दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि इस फेस मास्क की जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ही माइल्ड है. मे बी आप लोगों को वो चीज़ अच्छी ना लगे क्योंकि मोस्टली सबको पसंद होती है, बट मुझे क्या होता है उससे हेडेक हो जाता है. तो मुझे जिस फेस मास्क या क्रीम में फ्रेग्रेंस थोड़ी कम होती है तो मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आते हैं. और एट लास्ट मैं यह कहूँगी कि मुझे Pilgrim के प्रोडक्ट जो मैंने दोनों यूज़ किए हैं अभी तक, उन दोनों ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए, तो गाइज मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ. और जैसे कि मैं हमेशा आप सभी लोगों को कहती हूँ, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए. बाय.